जुबानी काइंडली आप ये गाइड करें कि अगर किसी बच्चे ने किताब शुरू करनी है सीएसएस की तैयारी के लिए, कोई किताब पढ़ना शुरू करनी है, तो वो कैसे टैली करेगा सिलेबस से उस टॉपिक को, और मतलब कि आप क्या उसको टिप देना चाहेंगे कि किस तरह वो किताब पढ़े? अच्छा, अभी मैं रिकॉल कर रही हूँ, हमारा पॉलिटिकल साइंस में पेपर 2 में एक टॉपिक था, राइज ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन साउथ एशिया। ठीक है, उसके लिए आप, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान हिस्ट्री पे यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ बुक्स, लेकिन आपने देखना है कि आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हैं या जो आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, उसमें से आपने कैसे उस टॉपिक से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालने हैं। जैसे अभी आई हैव दिस बुक, द पाकिस्तान पैराडॉक्स, इंस्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। ठीक है, ये शायद अभी आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो इस बुक में देखें, सबसे पहले यू विल हैव टू गो थ्रू द कंटेंट्स। ठीक है, ये कंटेंट्स वाला पेज आ गया मेरे पास, सही है। यू विल हैव टू गो थ्रू कंटेंट, ये देखिए मैंने हाईलाइट किया, मैंने मार्क किया, आपको मार्किंग्स नजर आ रही होंगी। जो जो रेलेवेंट कंटेंट था, जो जो रेलेवेंट टॉपिक्स थे, उनको मैंने हाईलाइट कर लिया। अब क्या करना है, जो टॉपिक मैंने आपको बताया है कि राइज ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन साउथ एशिया, हियर वी हैव पार्ट 1। पार्ट 1 में है नेशनलिज्म विदाउट अ नेशन एंड इवन विदाउट पीपल। ये आपको अगर नजर आ रहा हो लोगों को, ठीक है, पार्ट 1 की ठीक हेडिंग है ये। अब मैंने क्या किया, मुझे पता चल गया कि मेरे सिलेबस में ये क्वेश्चन था या ये टॉपिक था, इससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई। और इस पूरी बुक में, यानी जो से भी आप बुक्स पढ़ेंगी, उसमें स्टोरी फॉर्म में लिखा होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा होता है, तो आपके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग बन जाता है उसको पढ़ना। फिर मैंने क्या किया, ये हार्डली कोई 20 to 30 pages थे, जिसमें मैंने ओरिजिन का लिखा हुआ है कि नेशन ओरिजिनेट कैसे हुआ और इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे आया, और उसके बाद लीडर्स का क्या रोल था, और क्या नाम है, टू नेशन थ्योरी कैसे इवॉल्व हुई। ठीक है, ये चारों चीजें हार्डली इट वुड कवर 60 pages। अब 50 to 60 pages पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है किसी के लिए भी। तो आपने क्या करना है, आपने अपने कीवर्ड्स देखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बुक को भी साइड पे छोड़ दीजिए, आपने देखना है कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपके सिलेबस में है। मुस्लिम नेशनलिज्म वॉज द कीवर्ड, यहाँ पे मैंने देखा एक नेशनलिज्म का कीवर्ड, मैंने टैली किया दोनों को और मैंने वो चीज पढ़ना स्टार्ट कर दी। आप पढ़ेंगे ना, जब आपको हार्डली 5 6 मिनट लगेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ओके, दिस इज वर्किंग फॉर मी। फिर आपने क्या करना है, आपने उसके नोट्स बना लेने हैं, और साथ में बुक का नाम, ऑथर का नाम लिख लेना है, और उस चीज को आपने वैसे ही जाके पेपर में छाप देना है। और फिर अगर आपके नंबर ना आए ना, तो फिर दैट्स इम्पॉसिबल, इट वुड वर्क फॉर यू।